नमस्कार दोस्तों, टू डू आइस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। अपनी जो रीजनिंग की क्लास है उसमें लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था हमने भाषा, उसके बारे में पूरा डिटेल से कराया आपको। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना कोडिंग डिकोडिंग, उसका बेसिक जो क्लास है, इससे पहले जो क्लास थी उसमें बताया। आज की जो क्लास होगी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट की क्लास में मैंने आपको नंबर यानी कि जो अल्फ़ाबेट है किस तरह याद किए जाते हैं वो बताया था। उसमें भी अपोजिट, ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, जेड का अपोजिट क्या है, यानी कि नंबरों के अपोजिट प्लस कौन से अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है वो आपको बताया था ट्रिक के साथ। तो यदि आपको याद है तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में रियल रियल को IVZO लिखा जाता है तो टीम को क्या लिखा जाए, टीम को कैसे लिखेंगे। इस तरह आपको क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन मिल सकते हैं। अपन ऑप्शन से नहीं, फिलहाल आप इस टॉपिक के जो बेसिक है उस पे काम करते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखना है। एक कूट भाषा है और कूट भाषा में रेल दिया है, REAL। इसको क्या लिखा है इसने, इसको लिखा है इसने IVZ। पूछा क्या है, टीम का पूछा। जब आपको ये रेल से ये बना है, अब कैसे बना है, या तो एक बढ़ के बना होगा, या इसका अपोजिट होगा, या दो आगे बढ़ कम किए होंगे नंबर जो है, ठीक है, या फिर वोवल्स का यूज किया होगा, यानी कुछ भी यूज किया, अपन को पता लगाना है कि रेल से ये कैसे बना। ये इसमें जो ट्रिक उसने यूज करी, तो आप अभी उसी को इसमें यूज कर देंगे। देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखते हैं नंबर, यानी कि R कितने पे है, 18, E कितने पे है, 5, A कितने पे आता है, 1 पे, L कितने पे है, 5। यानी कि जो अल्फाबेट है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है वो आप डिनोट करना है सबसे पहले उस पर। उसके बाद जो इससे ये बना है उस पर डिनोट करना है। आई को क्या लिखे, आई कितने पे, 9 पे, वी कितने पे, 22 पे, जेड कितने पे, 26 पे, ओ कितने पे आता है, वही कोई बैठ रहा है इसमें भाई, या तो 18 9, दोनों में 9 के अंतर, या कितने का अंतर, 5 है, ये 22 है, 17 का अंतर, तो अंतर से तो कोई मतलब नहीं इसका। इस तरह देख सकते हैं क्या इन दोनों में अंतर बैठ रहा है, वो भी नहीं बैठ रहा। आप देखते हैं, एक अपने पास एक ट्रिक बचती है अपोजिट वाली। आर का अपोजिट क्या है, मैंने आपको बताया था, इंडियन रेलवे, यानी इंटरनेशनल रिलेशन से भी याद कराया था आपको। तो आई का अपोजिट क्या हो गया, आर, आर का अपोजिट क्या हो गया, आई, यानी कि आपस में दोनों क्या है, अपोजिट है। ई का अपोजिट क्या है, वी, और वी का अपोजिट क्या है, ई। ए का अपोजिट क्या है, जेड, यानी कि आजाद, आपको याद किया था ट्रिक में, लास्ट जो क्लास थी उसमें। जेड का अपोजिट ए, ए का अपोजिट जेड। एल का अपोजिट क्या है, ओ, लव से आपको ट्रिक में बताया था, लव, यानी कि लव शब्द याद रख सकते हैं, जिससे एल का अपोजिट क्या हो जाता है, ओ का अपोजिट एल। अब इनमें से क्या, इन्होंने क्या किया क्वेश्चन में, रेल का इसने अपोजिट अक्षरों से बना दिया इसको, तो अपन भी क्या कर देते हैं, जो टीम का है उसका भी अपोजिट कर देते हैं। टी कितने पे, 20 पे, आई टी कितने, 5, एक और कितने, एम कितने पे आता है, अपोजिट करो, टी का अपोजिट भाई 20 है, 20 के टोटल अंकों का योग कितना होता है, 26, ठीक है।
ई का अपोजिट कितना होगा, यहां से देखते हैं, ई का अपोजिट वी, ए का अपोजिट कितना हो जाएगा, आजाद, वही 13 है। और इसका अपोजिट क्या, मन से आपको बताया था, मन, एन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जी का अपोजिट हो जाएगा जी टी रोड। मैंने आपको बताया जैसे शेरशाह सूरी ने जब जी टी रोड का निर्माण कराया, उसी से आपको ट्रिक से बताया था, जी टी रोड यानी कि जी का अपोजिट टी का अपोजिट जी यानी कि जी टी रोड। ठीक है, तो इस जो टीम का जो कूट बनेगा उसको क्या लिखा जाएगा, जी वी जेड और एन लिखा जाएगा। तो इस तरह आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको इस ये ट्रिक में उसमें ऑप्शन पे टिक करना, यानी कि एक तरीका तो इस तरह पूछा जाता है क्वेश्चन कूट भाषा में। ठीक है, एक इसी पे वैसे एक क्वेश्चन और करा देते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में सम, SOME, सम को HLNV लिखा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम को क्या लिखा जाएगा, ये आपको याद रखना है। यानी क्या पूछा है, सम का दिया है HLN और V, किसका पूछा है, एग्जाम का पूछा है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको देखते हैं, यानी कि अपने पास गिवन है सम, SOME, सम का लिखा है इसने HLN और एग्जाम का पूछा है। सबसे पहले आपको करना क्या है, नंबर लिखने, उस पे एस कितने पाता है, 19 पे, ओ कितने पाता है, 15 पे, एम कितने पाता है, 13 पे, ई कितने पाता है, 5, एच 8, एल 12, एन कितने पे, 14, कितना, 22। किस तरह बना है आपको याद है ट्रिक, क्योंकि अपोजिट है दोनों, क्योंकि हाई स्कूल, लव, मन, एवरी या इवनिंग, ये मैंने आपको ट्रिक में बताया था, यानी अपोजिट है दोनों, विपरीत। ठीक है, 19 और 8 27, दोनों का अपोजिट का योग कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, जब ये अपोजिट है तो ये भी क्या होगा, अपोजिट ही होगा। ई का अपोजिट क्या बनेगा, एक्स का अपोजिट सी, क्रैक्स बताया था आपको, ए का अपोजिट आजाद, एम का अपोजिट मन यानी कि एन, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वी सी जेड और एन। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये आपको बेसिक आपका कॉन्सेप्ट याद है पिछली जो क्लास का, यानी कि अपोजिट वाला नंबर, तो आप इस तरह कोडिंग डिकोडिंग, तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का जो टाइप है उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में सबर को RNAD क्यों के रूप में लिखा जाता है, तो लोटस को कैसे, लोटस को कैसे
लिखा जा सकता है। ऑप्शन में आपको एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक से आपको समझा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बाद में देखते हैं, ऑप्शन से फिलहाल इसको बेसिक समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अपन पास दिया क्या है। सबर दिया, एक कूटवासा है, तो इसको ये लिखा गया है। पूछा क्या है, लोटस को कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले सबर से जो ये बना है कैसे बना ये देखते हैं। SOBER, RNAD। और सबसे पहले नंबर डिनोट करते हैं उस पे, कितने पे, 19 पे, और कितने पे आता है, 15, 5 और, यानी कि को अल्फाबेट है अंग्रेजी वर्णमाला का, किस स्थान पे आता है, कौन से नंबर पे आता है। नंबर लिखे हैं अपने 18, 1 और 4 और 7। एस अपोजिट है नहीं, एस अब एस का अपोजिट एच होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, अपोजिट तो है नहीं। ये 19 है कितना है, 18, ये 15 है कितना है, 14, एक दो है कितना है, एक एक चार, पांच है कितना, 4, ये 18 कितना, 17, यानी कि अपन को ये पता चल रहा है कि एक एक कम हो रहा है। नेक्स्ट जो अक्षर बना सबर से, कितना कैसे बना, एक कम किया, यानी कि एस से पहले जो आ रहा है 18 आ रहा है, यानी कि ओ से पहले एन आता है, बी से पहले ए आता है, ई से पहले डी आता है, आर से पहले क्यू आता है, यानी कि एक अक्षर पहले था, यानी कि एक अक्षर इसमें कम था, एक जो अल्फाबेट है कम था। उसी तरह से लोटस को कैसे लिखेंगे, LOTUS। एल का यानी कि एल सबसे पहले नंबर लिखे कितने पे है, 12, 15, 20, यू कितने पे आता है, 21 पे, एस कितने पे आता है, यहाँ एक कम किया है, यहाँ भी एक कम कर दो, सब में एक एक कम कर दो, यहाँ जब सब में एक एक कम हुआ है तो अपन को वहां क्या करना है, सब में एक एक कम करना है। तो एल से पहले क्या आता है, ये ओ से पहले एन, टी से पहले एस, यू से पहले टी और एस से पहले, अपना आंसर क्या बना, के एन एस टी आर, यानी कि जिस तरह से ये अक्षर इससे बना, इससे ये बना, उसी तरह से इस लोटस से क्या बनेगा, के एन एस टी आर। तो अपन को ये देखना है क्वेश्चन में, सबसे पहले नंबर याद होने चाहिए, अल्फाबेट कितने कौन से स्थान पे है, उसके बाद अपन कितने कम है, यदि यहाँ एक कम है या दो कम होता या तीन कम होता, तो उसी तरह से अपन एक दो तीन कम करके देखते हैं उस पर जो अक्षर बनता है वो अपना आंसर होता है, या एक एक सब में एक एक कम है तो यहाँ भी सब में एक एक कम कर दो। ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी में ही। डायरेक्ट आपको देखते हैं क्वेश्चन को, MEAT, मेट को लिख रहा है वो टीम, तो बेल को क्या लिखेगा, यानी कूटवासा है जिसमें मेट को टीम लिखा गया है, तो बेल को क्या लिखा जा सकता है। मेन बेसिक का क्वेश्चन है, क्या थ्योरेटिकल पार्ट है वो डायरेक्ट लिख दिया इसको। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर। सबसे पहले अल्फाबेट लिखते हैं, कौन सा अल्फाबेट कितने कौन से स्थान पर है, कितना है, 13, कितना, 5, कितना, 1 और कितना, कितना है, 20, 5, 1 और
MEAT मेट, क्या लिखा इसने? हाँ T-E-A-M 13। फाइव वन और 20, फाइव वन और इसने क्या किया है, जो लास्ट मक्सर था वो पहले लिख दिया, उसके बाद एक छोड़ा उसको टी के साथ लिख दिया, और एम को क्या कर दिया लास्ट में। ए पे कोई फर्क, यानी कि ए को कोई चेंज नहीं किया इसने, यानी कि अंतिम दोनों अक्षरों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, और एक जो है एम के साथ वाला उसको, इन दोनों को कोई चेंज नहीं किया इसने, ई और ए को, जो स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट थे उनको इसमें क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो आप अब इसमें क्या कर देंगे, स्टार्टिंग के और अंतिम जो है अल्फाबेट उनको ही क्या कर देंगे चेंज, जैसे बी ए एल ई, ई को पहले लिख देंगे, एल ए को एज इट इज लिखेंगे, एल को भी एज इट इज लिखेंगे, और बी को क्या कर देंगे अंतिम। जिस तरह इसने यहाँ किया अपन भी क्या करेंगे, एज इट इज करेंगे, यानी कि इसने क्या किया क्वेश्चन में, दोनों को आपस, तो यानी कि इसको इधर लिख दिया और इसको इधर, यानी कि आप, यानी कि जो पहले था वो अंत कर दिया, उसका अंतिम अक्षर अल्फाबेट लिख दिया, और अंतिम में जो था उसको पहला अल्फाबेट बना दिया। आप अभी उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से क्वेश्चन में पहले बनाया है। तो इसमें क्या किया अपन ने, बनाया ई को पहले लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया, जो बीच में जो थे अल्फाबेट उनको एज इट इज लिख दिया। तो अपने पास जो शब्द बना EALBS, ये क्या अपना आंसर। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस और करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में वाटर वाटर को YCVGT लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो एच के टी जी को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन दिया है, एक कूट भाषा है, वाटर दिया है, उसको क्या लिख दिया इसने, YCVGT लिख दिया। उसके बाद देखते हैं क्या पूछ रहा है, एच के टी जी को क्या लिखा जाए। सबसे पहले वाटर से बना, कैसे बना वो देखते हैं। सबसे पहले अपना जो काम होता है इसको नंबर लिख दो, इस पे कौन सा अल्फाबेट कौन से स्थान, W कितने पे आता है 23, A कितने पे 1 पे, T कितने पे 20 पे, ई कितने पे 5 पे, आर कितने पे, ये अपना काम हो गया। इससे जो बना वाई सी बना, वी बना, जी और टी बना। वाई कितने पे आता है 25 पे, सी कितने पे आता है 3 पे, वी कितने पे आता है 22 पे, जी कितने पे आता है 7 पे, और टी कितने पे आता है। अपन को ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 23 से कितना हुआ 25, कितने बढ़ाए प्लस 2, ए से सी तो हुआ कितना बड़ा प्लस 2, टी से बी पे कितना प्लस 2, ई से जी प्लस 2,
आर से टी तक कितना, यानी कि जो अल्फाबेट वाटर में जो थे उनमें दो ऐड कर दिए, जो अक्षर बना YCVGT बना, ये कैसे बना, यानी कि प्रत्येक में क्या कर दिया, दो ऐड कर दिया। अपन भी क्या कर देंगे, इसमें दो दो ऐड करते जाएंगे, तो अपना क्या शब्द बनता जाएगा जो आंसर होगा, HKTG। नंबर लिख देना सबसे पहले, एच कितने पे, 8 पे, के कितने पे आता है, 11, के कितने पे, 20, जी कितने पे आता है, 7। दो कर दो ऐड इसमें, क्योंकि तो यहाँ दो ऐड किया है, इसमें दो ऐड कर सब में। दो ऐड किए, 8 2 10, 10 पे क्या आता है, जे। के में दो ऐड किया कितना, 13, 13 पे आता है, एम। टी में भी 20 में दो जोड़े, 22, 22 पे क्या होता है, वी। और जी में दो जोड़े कितना, 9, 9 पे क्या आता है, आई। तो अपना जो शब्द बना JMV और आई, यानी कि प्लस तो पूछ सकता है, +3, यानी कि प्लस दो, यदि आपको ये ऑप्शन में नहीं हो, ठीक है, यदि आपको ये ऑप्शन में नहीं हो, तो सबसे पहले यहाँ +2 क्या है, इसमें क्या करना, हो सकता है कूट दिया हो किसी शब्द का, ठीक है, जब कूट दिया है तो इसका मतलब क्या है, दो ऐड हो क्या होगा, क्योंकि जब ये वाटर से ये बना है, इससे ये बन सकता था, पर लेकिन ऑप्शन में नहीं मिले, तो ये क्या है, कूट है, शब्द तो कोई दिखाई दे नहीं रहा, इसका मतलब कोई जो ये बन के आया है, कोई शब्द से बन के आया होगा, तो इससे क्या करना है, यहाँ दो ऐड किए तो इसमें क्या करना है, 2 माइनस करना, ठीक है, जब 2 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए कितना, 6, 6 पे क्या आता है, एफ। के में से 2 गया कितना, 9, 9 पे क्या आता है, 9 पे आई। 20 में से 2 गए कितना, 18, 18 पे आता है आर। और जी कितने हैं, 7 पे, 7 में से 2 गए कितना, 5, 5 पे क्या आता है, जो अपना कूट बना है, जो शब्द आया है, इसका मतलब अपन को क्वेश्चन में क्या दिया था, कूट दिया था, अपन क्या बना दिया, शब्द बनाना था, क्योंकि वाटर से क्या बना था, कूट बना था, और कूट से क्या है, अब इसने क्या है, कूट दिया है कोई शब्द का, तो अपन क्या बनाना था, शब्द बनाना था, ऑप्शन में ये तो मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई कूट है, ठीक है, यहाँ भी कूट था, ये शब्द था, शब्द से बना, तो अपन से जो कूट दिया है किस शब्द से बना है, उस शब्द पूछा था, तो इस जो आंसर होगा इस शब्द का, कूट का, यानी कि HKTG, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, FIR और E, ठीक है, यानी कि इस शब्द से ये बना है, आयर से HKTG बना है, ठीक है, तो ये आप गलती ना करें कि अपन को इससे कूट से ये बना दे, ठीक है, तो अपन को क्या बनाना है, शब्द बनाना, ठीक है, अगर ये मिलता आपको तो आप इससे कूट बना सकते थे, ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस, और एक निश्चित कूट भाषा में BAUGHTER को TERDA DAVGH लिखा जाता है,
यहाँ यू है, यहाँ भी यू ही लिखा जाता है, तो एप्टीट्यूड। को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन दिया है आपको, यानी कि DAUGHTR, यानी कि डॉटर को क्या लिखा है? TERRAUGH ये लिखा है। पूछा क्या है एप्टीट्यूड? इसको क्या ये अपने पास दिया है, ये पूछा है। यानी कि इस शब्द को ये लिखा गया है इसमें, ये पूछा है क्या लिखा जाएगा। सबसे तो पहले नंबर लिख लो, 4 1, यू कितने पाता है? 21 7 8 20 5 और कितना? 20 5 18 1 21 7 और अब इसमें ध्यान ये दे रहा है, इसको कैसे लिखा है इसने? इसने लिखा है लास्ट के जो 3 टर्म थे, TER को इसने क्या कर दिया? पहले लिख दिया, और जो शब्द थे उनको एज इट इज दिया, डी और टूट गया इसमें, बीच में डी है, क्वेश्चन में डी लिखा है। यानी कि लास्ट के इसने 3 डिजिट, 3 जो अल्फाबेट है उसको स्टार्टिंग कर दिया, और जो शेष बचे थे उनको एज इट इज। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 3 डिजिट को, लास्ट के जो 3 डिजिट है इसने लास्ट के 3 डिजिट को पहले लिखा, तो अपन क्या है, लास्ट के 3 डिजिट को पहले लिखेंगे और जो शेष है उसको एज इट इज लिखेंगे। तो लास्ट में 3 डिजिट क्या है? यू डी और ई, और जो भी अल्फाबेट है एज इट इज उतार, ए पी टी आई और ई। तो अपना जो शब्द बना यू डी ई ए पी टी आई और टी, जैसे इसने इसमें लिखा, यानी कि जो डॉटर है इसका जो लास्ट के जो 3 डिजिट, 3 जो अल्फाबेट थे, टी ई आर को क्या लिख दिया? पहले लिख दिया। उसके बाद जो शेष बचे थे डी यू और जी और एच, DAUGH और एच, जो 4 जो डिजिट बचे थे शेष उनको एज इट इज लिख दिया। तो अपन भी क्या करेंगे, जो पूछा है उसमें एप्टीट्यूड में जो लास्ट के 3 डिजिट है, जो 3 अल्फाबेट जो है इनको पहले लिख देंगे, पहले लिख दिया, शेष जो बचे थे उनको लास्ट में। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, तो आंसर हो गया यू डी ई और ए पी टी आई और। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसी वेस और पैटर्न पे क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए टूडवाइस के साथ। नमस्कार।